साउंड बज रहा है, आप कंट्रोल कर रहे हो तो कभी कभी सर्वर में भी पीछे लाइट का कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, इसका कुछ रीजन है कि आप फ्रंट से कंट्रोल कर रहे हैं? प्लस यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है और जनरेटर की हम बात करेंगे कितने केवी का है, आप लोगों को बताना है। प्लस हमारे यहाँ पे ऑपरेटर साहब है, तो कैसे आप लोग भैया? बढ़िया। की बात कर लूँ तो मैं, अगर यहाँ से शुरुआत करूँ, इस सेटअप में क्या क्या लगा हुआ है भैया? अगर मैं इसकी बात कर लूँ, आपने जो कांवड़ तैयार करी है, काफी प्यारी है कांवड़ लग रही है इनकी, आप लोग देख सकते हैं काफी मेहनत करी। सिलेंडर कहते हैं और इन्हें कहते हैं फैंस, ठीक है, तो काफी अच्छे। ट्रैक्टर चलाने में तो काफी ज्यादा दिक्कत होती होगी इतना बड़ा सेटअप ले जाकर के। तो अभी अगर मैं बात कर लूँ ऋतिक भैया, तो लगभग कितना टाइम पहले साउंड बुक हो गया था? तो फाइनली गाइस, फिर से वेलकम आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, मेरा नाम राहुल और आप लोग देख रहे हैं मेरे एक्सप्लोरर्स। तो एक और हम लोग नए सफर पे निकल चुके हैं और हमारे साथ फिर से ज्वाइन हो चुके हैं राजा भाई। तो इनका चैनल है 200 डीजे व्लॉग्स के नाम से। तो हम दोनों को भाई प्यार बरसाओ अपना, और हम लोग जो है भाई डीजे कंटेंट डालते रहते हैं। फिलहाल अभी हम लोग आए हुए गड़के मेले में, राजा भाई सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो गड़के मेले की अगर बात करूँ तो हमारे पीछे खड़ी हुई भाई प्रिंस डीजे की गाड़ी, और यहाँ पे जो है अभी इनका खाने पीने का सामान तैयार हो रहा है, क्योंकि आगे जो है भाई पूरा आ रहा है इनका टोला वगैरह जो भी सेटअप है वो आगे दिखाएंगे। और यहाँ पे जो हमारे साथ हलवाई भैया वगैरह मौजूद है, तो एक बार आपको दिखाते हैं भाई खाने पीने की तैयारी जो थोड़ी आगे आगे करनी पड़ती है, क्योंकि ट्रोला पूरा रोक करके खाना पीना हो जाता है वैसे रेडी राजा भाई? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा मतलब आगे आगे करना ही पड़ता है। दरअसल बात क्या होती है कि जैसे कावड़ यात्रा आपकी चलती है जी, ठीक है, और जो पार्टी लोग वगैरह होते हैं, कावड़िया होते हैं ना, वो थोड़ा पीछे होते हैं, और खाने की तैयारी पहले करनी पड़ती है। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था पहले करनी पड़ती है। वो इसलिए करनी पड़ती है कि जैसे वो आए तुरंत उनको खाना प्रोवाइड हो सके। अच्छा, तो तुरंत मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। यानी हाँ, अगर वो काफी टाइम पे अगर रुकेंगे फिर खाने की इंतजार करेंगे, हो सकता है उन्हें नींद आ जाए या थकान ऐसी हो जाए कि मतलब वो ना खा पाए। बिल्कुल सही बात है। तो और ऊपर से मेहनत करते हुए भी आ रहे होंगे, पूरा उठाते हुए ला रहे होंगे, कावड़ वावड़ काफी मेहनत का काम है। तो अभी थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं खाने की तैयारी चल रही है, अभी भैया से हम लोग बात कराते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ अंकल जी मौजूद है। अंकल जी नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा, अभी जो है अभी आपका जो है पूरा वहाँ से सेटअप आ रहा है डीजे वगैरह का। हाँ जी। तो अभी यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी चल रही है? खाने की चल रही है सर। खाने की तैयारी? हाँ। तो आज खाने में क्या बनना है यहाँ पे? आज दाल चावल है। अच्छा, दाल चावल है, तो मतलब पहले ही आना पड़ता है आप लोगों को। हाँ जी। तो लगभग कितनी देर से आए हुए हैं आप लोग? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया, तो आप लोग साथ में ही हैं दोनों। तो अभी आप लोग खाने की पूरी तैयारी करोगे, क्योंकि हमारे भोले जो भी हैं वो आ रहे हैं, और काफी मेहनत का काम है कांवड़ उठा के लाना। तो अच्छा, जैसे आप लोग मतलब रेगुलर ही थोड़ा आगे आके बनाते हैं या कैसे? अभी जैसे तो हम कावड़ के साथ ही चलते हैं जी, फिर जब हम उनको कहते हैं ना भूख का टाइम हो रहा है तो हम आ जाते हैं। अच्छा, चार पांच खाने में करेगा? चार पांच। अच्छा अच्छा, लगभग कितनी देर में तैयार हो जाएगा? हो जाएगा आधे घंटे, इतने में वो भी आ जाएंगे सवारी। और प्लस ये सारा सेटअप आप लोग साथ ही लेके चलते हैं अपना? अच्छा, सब गाड़ी में ही चल रहा है। तो खाना तो मेरे ख्याल में सिर्फ टमाटर वगैरह का ही बनता होगा, प्याज वगैरह कुछ नहीं? अच्छा 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 अच्छा, लहसुन वगैरह कुछ नहीं। चलिए अंकल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, हमारे जितने भी भोले हैं, देखिए शिव भक्त है सभी, तो सभी का आप पेट भर रहे हैं, काफी अच्छा लगा और धन्यवाद आप लोगों का। तो अभी जो है भाई हम लोग आगे चलते हैं, आगे चल के हम आपको भाई पूरा सेटअप दिखाते हैं क्या क्या है। राजा भाई चलते हैं फिर हम लोग। फिलहाल इनकी टाटा दिखा देंगे, फिलहाल रोड से हम लोग टाटा दिखाते हैं भाई। और ये जो डीजे आई थिंक ये अभी 2-3 किलोमीटर बता रहे हैं आगे, तो हम लोग वहीं पे चल के दिखा रहे हैं। टाटा देख सकते हैं आप लोग भाई, कुछ इस तरीके की ये टाटा इनकी न्यू प्रिंस डीजे, और इसमें काफी अच्छा इन्होंने एनिमे कर रखा है एनिमेशन से, प्लस इस टाइप की टाटा है, न्यू पेंट हुई भी है, इधर साइड में लाइन बना हुआ है, और ये सब कॉन्टैक्ट नंबर है। तो अभी जो हम लोग चलते हैं भाई, ज्यादा ट्रोल ही दिखाते हैं, सीधा वहीं चल के बात करेंगे जो भी हैं भैया लोग हमारे। चले राजा भाई, चलिए। फाइनली दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने न्यू प्रिंस डीजे ट्रोले के पास, और काफी अच्छा सेटअप बना रखा है, और काफी अच्छा इन्होंने भाई कांवड़ भी बना रखे है। तो अभी हम लोग भाई आपको कमेटी वालों से बात करवाएंगे, साथ में हमारे जो डीजे वाले हैं, ओनर हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, हम उनसे भी बात करवाएंगे। तो बस अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम ट्रोले से। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे सभी समिति वाले भैया मौजूद है। तो कैसे भैया सब, आप लोग पहले बताइए। तो आप लोग भैया काफी मेहनत कर रहे हैं, और फरवरी की ये कांवड़ यात्रा है, तो पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा आपकी समिति का क्या नाम है भैया? शिव सेवा समिति। तो आप सब भैया मेरठ से ही हैं या? सब मेरठ से ही हैं। तो मेरठ में किस जगह से आप सब? कंकरखेड़ा की है। तो कंकरखेड़ा से ये साउंड भी कंकरखेड़ा का ही है मेरे ख्याल में। तो अभी जो है भैया अगर मैं साउंड की बात कर लूँ, तो लगभग कितना टाइम पहले आपने इसको बुक कर दिया था साउंड को? क्योंकि अच्छा आप ही हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम शिबू है। शिबू नाम है आपका। तो ये साउंड भैया आप ही का ही है क्या? अच्छा, दोनों भाई का है। ऋतिक भाई को हम पहले से जानते हैं। तो अभी अगर मैं बात कर लूँ ऋतिक भैया, तो लगभग कितना टाइम पहले साउंड बुक हो गया था? भैया हमारा करीबन 6 महीने पहले साउंड बुक हो गया। अच्छा, लगभग इस यात्रा के लिए 6 महीने पहले बुक हो गया था। तो पूरा ट्रोले का ही सेटअप सोच रखा था पहले से ही? टाटा जी का सेटअप हमने सोचा नहीं था जी, ट्रोले में लाएंगे, ट्रोले में लाएंगे इस बार। और अच्छा, अगर मैं अभी सेटअप की अभी मैं बात करता हूँ, मगर थोड़ा सा अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि लगभग कितना टाइम पहले आप लोग निकल गए थे मेरठ से गढ़ के लिए? हम 3 तारीख के दिन में निकल गए
तीन तारीख की दिन में निकल गए थे। और लगभग कितना टाइम लगा आपको ये सेटअप बांधने में? भैया मैं दो दिन लगे इसमें। दो दिन बांधने में लगभग, पाँच एक तारीख में लाइटनिंग वगैरह सब चीज। पाँच तारीख को हम चल दिए थे। अच्छा, पाँच तारीख को चल दिए थे, ठीक है। तो अभी मतलब काफी लंबा आपने सफर तय कर लिया है, और अभी मैं थोड़ा और समिति वाले भी एक बार अपनी कावड़ के आगे आ जाएंगे आप सभी, तो अच्छा लगेगा काफी। तो देख सकते हैं भाई, ये इनकी कावड़ है, काफी अच्छी इन्होंने कावड़ बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं सभी। और यहाँ पे हमारे सभी भैया मौजूद है, और मतलब तो हमारे साथ यहाँ पे अंकल जी आ रहे हैं। तो अंकल जी नमस्कार, कैसे अंकल जी? तो शिव सेवा समिति है, और मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ भैया। राहुल है। राहुल नाम है आपका? चलिए, मेरा नाम भी राहुल ही है। और अभी जब अगर मैं इसकी बात कर लूँ, आपने जो कांवड़ तैयार करी है, काफी प्यारी है कांवड़ लग रही है इनकी, आप लोग देख सकते हैं काफी मेहनत करी है आपने कांवड़ को लेकर के। तो लगभग कितना टाइम लगा इस कांवड़ को तैयार करने में भैया? कांवड़ को तैयार करने में एक महीना लग गया। तो मतलब एक महीने पहले से आप लोग कर रहे हैं तैयारी। अच्छा, अगर मैं एक चीज और पूछूं, लाइक आप हर साल लेके जाते हैं ये फरवरी वाली कांवड़? हर साल लेके जाते हैं। तो लास्ट टाइम भी आप लोग लेके गए थे, तो डीजे के साथ ही गए थे या डीजे के? डीजे के साथ ही गए। तो लास्ट टाइम कौन सा डीजे था आपके साथ? हमारे पास कौन सा आया हुआ? किंग डीजे था। अच्छा, चलिए। और अगर मैं अभी जान लूं डीजे की, प्रिंस डीजे की, तो इसका कैसा आ रहा है रिव्यू, कैसा लग रहा है आपको बजने में? बढ़िया लग रहा है भैया, फुल एंजॉय आ रहा है, बाबा की कृपा एकदम मस्त वाली। और अगर मैं बात कर लूं, जैसे कि मैंने पूछा सेटअप वगैरह को लेकर के भी हम बात करेंगे, आप कंकरखेड़े से ही आप सभी? कासमपुर से। चलिए, और आप भी जैसे ये वाली कावड़ जाती है जुलाई वाली, तो आप उसमें भी जाते हैं क्या? वो तो हर साल लेके आते हैं। अच्छा, वो भी हर साल लाते हैं। तो ये वाली कावड़ आप कितना टाइम से ला रहे हैं? ये तो हमारी पहली दफा आई है। अच्छा, पहली दफा आई है? पहली दफा आई है, वो हर साल लाते हैं। अच्छा, तो मतलब पिछली बार आप किंग डीजे उस पे ले गए थे? अच्छा अच्छा, ये वाली आप देखिए गढ़ वाली कावड़ यात्रा पहली बार लाया, और काफी अच्छी इन्होंने करी है, एक महीना लगभग इन्होंने तैयार करा है इस कावड़ को। और अभी भाई काफी अच्छा लगा आप सभी से हमें बात करके, और कोई कुछ हमारा भाई कुछ बताना चाहता हो, कोई भी डीजे से रिलेटेड? अच्छा, प्रिंस भाई। अच्छा, शिव्पू भाई, इन दोनों भाइयों को बहुत सहयोग है। बिल्कुल भैया सहयोग है, बिल्कुल आपका इन्हें सहयोग है और इनका आपको सहयोग है, ठीक है, सही कह रहा हूँ मैं? अच्छा, अगर मैं प्रिंस भाई का एक बार थोड़ा डीजे के पास आ जाऊँ, अगर थोड़ा डीजे को हम दिखा सकते हैं आगे से, तो अभी जो देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, मैंने आपका नाम थोड़ा सा गलत ले दिया, मैंने स्टार्टिंग में आपका नाम ऋतिक ले दिया। अच्छा, ऋतिक ही है? अच्छा, मेरे को ऋतिक ही आता क्योंकि चलिए, तो अभी मैं अगर बात कर लूँ ऋतिक भैया, ये जो आपका डीजे है प्रिंस नाम से आपका डीजे, प्रिंस भी आप ही का नाम है? चलिए भैया बढ़िया। और लगभग अगर मैं सेटअप में टोटल हमने 18 बेस लगा रखी है। अभी जो है ना, मैं सिर्फ फ्रंट की बात करता हूँ, जो ट्रैक्टर के आगे का है, चार रिवर्स बेस लगी हुई है, और साथ में यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे लाइनर भी लगाए हुए हैं अपने चार। तो ये सब मतलब बेस और आवाज को कंट्रोल करने के लिए, और कुछ स्टॉप वगैरह भी है क्या? अच्छा, ये दो बेस है यहाँ पे भी, ठीक है, मैं सोचा यहाँ पे तीन है क्योंकि ये सिंगल लग रही थी दूर से, सिंगल है। चलिए ठीक है, अगर मैं ट्रैक्टर के थोड़ा सा इधर से दिखा देता हूँ, लाइक ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल फ्रंट पे बंधा हुआ है ये पूरा बेस, और यहाँ पे जल टंग रहा है हमारे सभी भोले भाइयों का, और ट्रैक्टर भी लगभग शानदार लग रहा है, नया ट्रैक्टर लग रहा है बिल्कुल, और ये हमारे ट्रैक्टर वाले भैया हैं, ट्रैक्टर वाले। अच्छा, चाचा है, सहयोग है जी। क्या नाम है आपका भैया? सरताज नाम है। तो ट्रैक्टर चलाने में तो काफी ज्यादा दिक्कत होती होगी इतना बड़ा सेटअप ले जाकर के, मगर भोले बाबा की कृपा है सब निकल जाता है, सब निकल जाता है। तो लगभग पूरा धूप वूप हो रही है, कुछ शेड वेड नहीं लगा रखा आपने? खोल दिया खोल रखा है। और अभी जो है हैंडलिंग करने, मैंने देखा आप लोग उधर से ला रहे, तो काफी मुश्किल होती है डीजे लाने में। चलिए बहुत बढ़िया भैया, तो आपका ये पहली बार है डीजे यहाँ पे सेटअप ला रहे, इस तरह का लाता जाता है? सेकंड टाइम। बहुत भैया सरताज भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मैं प्रिंस भैया यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सेटअप में प्रिंस भैया क्या क्या लगा हुआ है? 12 टॉप लगी हुई है लगभग, इसमें 6 लाइनर है जी, हमारी 18 बेस है, इसमें हमारी 14 शार्पी है, 14 शार्पी भी है। अच्छा, ये लाइट तो काफी अच्छी लग रही है जो आपने लगा रखी है। तीन फैन लगा रखे हमने, तीन फैन लगा रखे हैं, चार ब्लेंडर चार ब्लेंडर लाइट ब्लेंडर्स जी वाली, ठीक है। देखिए इन्हें भाई ब्लेंडर कहते हैं और इन्हें कहते हैं फैंस, ठीक है। तो काफी अच्छी लग रही है, साथ में स्मोक मशीन भी है। चलिए भैया बहुत बढ़िया, यहाँ पे शार्पी वगैरह इन्होंने भाई काफी अच्छा कर रखा, और प्रिंस नाम की डीजे पे जो ब्रांडिंग हुई हुई है बहुत अच्छी लग रही है। अभी मैं देख पा रहा हूँ भैया यहाँ पे ये क्या रखा हुआ है ये सेटअप पे? लाइटें कंट्रोल करने का है। ये लाइटें कंट्रोल करने का, जो लाइटें कंट्रोल कर रहे हो आप वो फ्रंट से ही कर रहे हो सारी, पीछे लाइट का कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, इसका कुछ रीजन है कि आप फ्रंट से ही कंट्रोल कर रहे हैं? बस भैया ऐसी मतलब फ्रंट से बार बार देखना नहीं पड़ता। अच्छा, राहुल भैया कर रहे हैं। अच्छा राहुल भैया कैसे हैं आप? तो लाइटिंग का आप भी कंट्रोल कर रहे हैं सारा? तो लाइटिंग भैया जब जैसे साउंड बजता है तब भी आप लाइट कंट्रोल करते होगा? तो काफी मतलब हैवी रहता होगा यार। अच्छा, यहाँ पर रखी हुई है इनकी भाई मशीन, और क्या चीज़ भैया? पायलट
पालक। अच्छा, तो इससे मतलब कंट्रोल होती है सारी, जितने भी फेस वगैरह बनते हैं सब इसी से बनते हैं, तो मतलब काफी वो रहता होगा, जैसे साउंड बज रहा है आप कंट्रोल कर रहे हो तो कभी कभी सर्वर में भी दर्द वर्द सा होता है। अच्छा, अब हैबिट बन गई अब तो है। चलिए भैया बहुत बढ़िया, राहुल भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, काफी अच्छी लाइटिंग आपने कंट्रोल कर रखी है, देख सकते हैं फैन वगैरह काफी अच्छा लग रहा है डे में भी। तो अभी जो है भैया हम थोड़ा सा डीजे के पीछे से दिखाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज अभी जो है अगर मैं डीजे के पीछे से दिखाऊं तो यहाँ पे जो देख सकते हैं कितना बढ़िया सेटअप लगा हुआ है, प्लस यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है। जनरेटर की हम बात करेंगे कितने केवी का है, आप लोगों को बताना कमेंट करके कितने केवी का जनरेटर, प्लस हमारे यहाँ पे ऑपरेटर साहब है। तो कैसे आप लोग भैया? बढ़िया, ऑपरेटिंग जोरों जोरों से चल रही है बिल्कुल। मैं आप दोनों का नाम जानना चाहता हूँ, क्या क्या नाम है आपका? सलमान, रजत साहब है आपका, और आपका? सलमान। सलमान भैया, तो ऑपरेटिंग चल रही है भैया, गाने वाने एकदम मस्त बजा रहे हो। तो यहाँ पे जो कनेक्ट कर रखा है ये किस लिए कर रखा है आपने कनेक्ट? साउंड क्वालिटी के लिए। साउंड क्वालिटी के लिए, तो इससे कुछ क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है या क्या होता है? क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट, क्या कहते हैं इसको? साउंड गार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउंड गार्ड। साउंड गार्ड, अच्छा, तो इससे मतलब क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। और अगर मैं सेट्स की बात कर लूँ, सेट कौन कौन से यूज कर रहे हैं आप अपने सिस्टम में? बी एम और एम टी। ओके, काफी बढ़िया उन्होंने भाई सेटअप लगा रखा है, और लाइटिंग का तो सारा आगे कंट्रोल कर रखा है। लगभग कितने सेट में चल रहा है सेटअप? 12 सेट में चल रहा है सेटअप। काफी बढ़िया सेटअप बज रहा है भैया आपका, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। और लगभग आपको कितना टाइम हो गया भैया? लगभग 12 साल हो गए ऑपरेटिंग करते हुए। ठीक है, और भैया आपको कितना टाइम हो गया? अभी 16 साल का ही है। अभी स्टार्ट करा है मतलब। तो अभी आप में से कौन मुझे गाना सुनाने वाला है? चलो भैया एक गाना सुनते हैं आप लोग। तो भाई प्लीज डीजे, और काफी अच्छा डीजे उन्होंने सेटअप लगा रखा है। हमारे साथ यहाँ पे शिबू भाई थे, शिबू भाई काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर के, और काफी अच्छा उन्होंने सेटअप लगा रखा है। और यहाँ पे हमारे ऑपरेटर भाई थे सलमान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और साथ ही में आपको भी अच्छा लगा। रजत भाई, क्या नाम? रजत भाई का नाम है, और पहली बार मिले हम लोग, काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर। और हमारे यहाँ पे प्रिंस भाई है, तो प्रिंस भाई अब हमें एक गाना सुनाएंगे हमारे ऑपरेटर साहब, गाना सुनते हैं फिर हमारी ऑडियंस बताइए कैसा बन रहा है डीजे बिल्कुल, और साथ में बताइए जनरेटर कितने केवी का, ऑडियंस बताइए अभी। ठीक है, तो आप लोग को कमेंट करना है, अब हम आपको गाना सुनाते हैं। ठीक है शिबू भाई, ओके राजा भाई गाना सुनते आ जाओ। अच्छा, हम लोग